मैं आरके कल्सोत्रा, स्टेट प्रेसिडेंट ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ एससीएसटी ओबीसी ऑर्गेनाइजेशंस। पिछले दिनों जो बजट पास हुआ है भारत का, जिसमें 35,000 करोड़ रुपया जम्मू कश्मीर को दिया गया है, इसका हम वेलकम करते हैं और साथ में एक सुझाव भी देते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने भी 370 हटाने पर यह कहा गया था कि जम्मू कश्मीर बड़ी बैकवर्ड स्टेट है। हमारे एलजी मनोज सिन्हा भी कई बार कह चुके हैं और वाकई ही बैकवर्ड स्टेट है हमारा। तो हम सिन्हा साहब को, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को एक अपील करना चाहते हैं, एक सुजेशन देना चाहते हैं, क्यों कि जो एजुकेशन है, जिस स्टेट की बेटर एजुकेशन होगी वो स्टेट तरक्की करेगा, जिस कंट्री की बेटर एजुकेशन होगी वो कंट्री भी प्रोग्रेस करेगा। तो हमारा स्टेट तो पहले ही पिछड़ा हुआ है, यहाँ बहुत बड़ा ड्रॉबैक है एजुकेशन में, और गरीब लोग हैं जिनके पास इस डिजिटल सिस्टम में ना तो लैपटॉप है, ना ही उनके पास कंप्यूटर है, और ना ही गरीबों के पास स्मार्टफोन है। तो लिहाजा हमारा निवेदन रहेगा, एलजी साहब से गुजारिश रहेगी कि ये जितने भी एंटायर एससी एसटी ओबीसी और रिजर्व कैटेगरी है, जिनको आप जो एलिजिबल हैं स्कॉलरशिप लेने के लिए, आप उन सबको इस 35,000 करोड़ रुपए में से सब स्टूडेंट्स को एक स्मार्टफोन जो है मुहैया करें, ताकि वो कोप अप करें जो स्टडी में वो पीछे रह गए हैं। ये सर्वे भी है कि गरीब लोग जो हैं इस जो नया सिस्टम आया है ऑनलाइन का, उसमें पिछड़ रहे हैं और इससे पूरा समाज पिछड़ेगा। लिहाजा हमारा जोरदार तरीके से एलजी साहब आपको निवेदन है कि ये जो पैसा है, जल्दी से जल्दी जो गरीब, जो जरूरतमंद बच्चे हैं, जो एलिजिबल हैं, उनको ये फैसिलिटी जो है स्मार्टफोन दिया जाए, ताकि वो अपनी स्टडी में कोप अप कर सकें।